যুবমোর্চার কার্যকর্তাদের সকাল থেকে রোড শোর মাধ্যমে স্বাগত জানিয়েছে। পার্টিরা প্রত্যেক কার্যকর্তাদেরকে জানাই হৃদয়ের অন্তস্থ ধন্যবাদ। এবং আমি মাননীয় সভাপতি জি युवा मोर्चा के अध्यक्ष बनने के बाद काफी सारी प्रदेशों में मेरा प्रवास हुआ है, पर मैं आपको सच्चे दिल से आज बता रहा हूं, जिस प्रकार का स्वागत और जिस प्रकार का भव्य रैली, कितने बड़े बाइक रैली छोटे प्रदेश बता रहा था। आज के बाइक रैली ऐतिहासिक था, अभूतपूर्व था। आप सबको बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। जब हम फ्लाईओवर के पास आ रहे थे ना, आप लोग तो पूरे बाइक में थे, हम जब जीप में थे और पीछे मुड़ के देखे, लगभग 5-6 किलोमीटर तक सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झंडा ही दिखा। आज शाम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठक, मैं आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ये वादा देना चाहता हूं कि इस बार के चुनाव में भारतीय जनता युवा मोर्चा के दम पर हम जीतेंगे। वादा दे दूं साथियों, एक मेरा जीवन का सौभाग्य है कि मां त्रिपुर सुंदरी देवी जी की पुण्य धरती त्रिपुरा में आप सब के बीच में ऐसे एक बहुत महत्वपूर्ण संदर्भ में आने का मौका मिला। पर मैं नबादल जी को बता रहा था कि जब तक हम यहां फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक हम बनेंगे, तब तक बार बार मैं आप सब के बीच में आता रहूंगा और हर बार आप सब के बीच में ऐसे ही कार्यक्रम हम करते रहेंगे और बूथ स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक भारतीय जनता युवा मोर्चा को मजबूत करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार के विकास के काम पूरे प्रदेश में हो रहा, इसको हम सब मिलकर आगे बढ़ाएंगे। आप सब साथ में हैं, युवा मोर्चा के दम पर इस बार हम फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करेंगे और पूरे नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा के दम पर, त्रिपुरा के विकास के शक्ति पर एक नया ईशान्य भारत और एक नया त्रिपुरा और एक नया भारत, जगतगुरु भारत का स्थापना साथियों आप में सब मिलकर करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आप सबको देख के। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वाह, क्या जोश आप में से देखकर बहुत अच्छा हुआ। भारत माता की जय। धन्यवाद, धन्यवाद अध्यक्ष जी को।